आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भानु प्रतापपुर में किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 लोकसभा सीटों में अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह भरने के लिए आयोजित की गई। बता दें कि मोदी के भाजपा के 400 पार लोकसभा सीट के स्लोगन को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए आज छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा, भाजपा के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित जिले भर के भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मंचस्व अतिथियों ने सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर दर्जनों महिला एवं पुरुष भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है और उस नैया पर कोई सवार नहीं होना चाहता और लोग भाग रहे हैं। उनके नेता स्वयं कहते हैं अपने जो परंपरागत सीट है वो बचा नहीं पा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। एक समय था जब कहते हैं वो कहा करते थे कि अमेठी से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी से तो वो जीत जाएगा, लेकिन आज क्या स्थिति है वहाँ पर, किस तरीके से किस गति से उनको भगाया जा रहा है, ये देश की जनता ने तय कर दिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने। देखिए, ये कांकेर का चुनाव द्वितीय चरण में होना है 26 तारीख को, और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 11 के 11 प्रत्याशी 2 मार्च को घोषित कर दिया। 2019 का चुनाव हम विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद हम कांकेर लोकसभा जीते थे, और अभी तो मोदी की गारंटी में हमने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे।